रामगढ़ भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाने, फसलें खराब का सही मुआवजा उपलब्ध करवाने सहित किसानों की ऋण मुक्ति कराने को लेकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम रामगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, देश के हम भंडार भरेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मातादीन भाटी प्रांतीय मंत्री बाबूलाल पोसवाल के नेतृत्व में किसानों की मांग को रखते हुए ज्ञापन में भारत के प्रधानमंत्री को राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उपखंड अधिकारी बालकिशन तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसान संघ ने मांग रखी कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने, फसल खराबे का सही जोखिम कवर दिलवाने और किसानों के ऋण में मुक्ति दिलवाने हेतु नीतिगत बदलाव कर राहत देने के संबंध में मांग रखी गई। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मातादीन भाटी, प्रांतीय मंत्री बाबूलाल पोसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव, रामगढ़ सरपंच संघ अध्यक्ष व प्रदेश मंत्री देवेंद्र दत्ता सहित सैकड़ों की संख्या में किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य तो दिया गया, लेकिन जो नीचे का तंत्र है उसके द्वारा सही सलामत रूप से सही कार्यक्रम को अंजाम नहीं दिया जाता है। मजबूर होकर माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि समर्थन मूल्य वर्ष पर्यंत तक होना चाहिए। जिस किसी भी एक जींस का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है तो वर्ष पर्यंत लिया जाए। यदि मजबूरी में समर्थन मूल्य के लिए कोई क्रय करने वाली समिति नहीं आई, कट्टर लगाने लिए नहीं आए और किसान औने पौने भाव में कहीं भी अपने आवश्यकता के लिए बेचता है, तो वो अगर 500 रुपये में व्यापारी को बेचता है तो उस रसीद को दे और 4000 का समर्थन मूल्य तो 500 रुपये भावांतर मिलना चाहिए। यह हमारी किसानों की मांग है और इसको इस प्रकार से रखना है। हमारे अभी रजिस्ट्रेशन जो समर्थन मूल्य के बंद कर दिए उनको चालू रखा जाए, क्योंकि अभी तो आधा से ज़्यादा जींस किसानों के पास पड़ा हुआ है। भारतीय सरकार की 4.5 साल की अट धर्मी को देखते हुए भारतीय किसान संघ ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश से, प्रांत से, तहसील से और ग्राम इकाइयों समिति से ये सब ने एक सामूहिक निर्णय लिया है कि 2013 में जिन्होंने अपने चुनाव घोषणा के अंदर इन्होंने किसानों का सार्वजनिक विकास करने के लिए वादा किया था, उनमें से इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जिस वजह से हम उन यादों को याद दिलाने के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री और माननीय श्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया है।